और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 40,000 छात्र छात्राएं सड़क पर उतरने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय में कोई भी हरकतें होती हैं तो पहले छात्र यहाँ का छात्र जो छात्र नेता है जो आम छात्रों की लड़ाई लड़ता है, जो आम छात्र अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं उनको दबाया जाता है, तो उनकी लड़ाई लड़ने का काम आज छात्र नेता करता है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और इधर छात्रों का आंदोलन चल रहा है फीस वृद्धि को लेकर। इनकी मांग है फीस वृद्धि को पुनः वापस की जाए। इन्हीं से बात करेंगे, किस तरह से मांग कर रहे हैं, कितने दिन से आंदोलन पर बैठे हैं, अभी अमरण अनशन चल रहा है, कब से खाए हैं, कब से नहीं खाए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मंजीत पटेल है। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, दाखिले ले रहा हूँ पीजी में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 2 सालों से आंदोलन चल रहा है छात्र संघ बहाली को मांग को लेकर, और ये जो फीस वृद्धि को मांग को लेकर जो 400% गुना बढ़ाई गई इसके लिए भी दो महीने से चल रही है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से भी कुलपति को दे रहे हैं लेटर, मगर इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर छात्र पढ़ता है, अगर वो अपनी हक और आवाज़ को उठाता है तो उनको तुरंत जेल भेजने का काम किया जाता है और मुकदमे लिखने का काम किया जाता है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब किसान मजदूर का लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अपनी आवाज़ को उठाए आगे। देश की राजनीति में आप देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, चाहे आप 1947-1940 लेंगे देखेंगे शहीद लाल पदमधर जी हैं, 1942 में उन्होंने अपनी जान गंवाई देश के लिए। यहीं से एक कुआं है, वहाँ से चलकर वहाँ कचहरी गए थे, तो उन्होंने अपनी देश के आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई और छात्र संघ के लिए। और 1971 में उन्होंने 1 रुपये की फीस के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें उन्हें फीस वृद्धि को लेकर माना गया था। तो यही इनकी अगर रवैया रही तो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 40,000 छात्र छात्राएँ सड़क पर उतरने का काम करेंगे। नहीं तो इनको अगर कुलपति महोदय से मैं कह देना चाहता हूँ, ये अपने घमंड में न रहे, घमंड किसी का नहीं चलता है। एक शेर के माध्यम से अपनी बातों को समाप्त करूँगा कि बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर बनने की कोशिश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशे तलाश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बातों से ऐसा लगता है कि लंबे समय से भूखे हैं, अमरण अनशन पे तो बैठे ही हैं, कितने दिन हो गए हैं सर खाए? मुझे 5 दिन हो गया है, आज 5 दिन बीत जाएगा, कल अभी से 6वें दिन लागू। काफ़ी आवाज़ धीमी है। हाँ, मेरी तबीयत बहुत अस्वस्थ है, मैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। शासन प्रशासन इधर? शासन प्रशासन कोई नहीं, कोई पूछने तक नहीं आता है कि यहाँ जान कैसा है कैसे नहीं। इलाहाबाद में कोई कर्मचारी तक नहीं आता है यहाँ पर पूछने। क्या कहेंगे सर आप फीस वृद्धि को लेकर? देखिए, जो फीस वृद्धि हुआ है ये सरासर अन्याय है, और ये फीस वृद्धि इसलिए किया गया है क्योंकि ये विश्वविद्यालय में कोई भी गांव ग्राम का गरीब परिवार का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा पढ़ न सके, वो शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हो सके, जो कि ये होने नहीं दिया जाएगा। शिक्षा सबका अधिकार है, बाबा साहब ने अपने संविधान में सबको शिक्षा का अधिकार दिया है, और इस शिक्षा के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। ये कुलपति महोदया जो अपने ऊपर गुमान करती हैं कि हम कुछ भी लागू कर देंगे तो छात्र आसानी से मान लेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो उनको बता देना चाहते हैं जिस तरह से विश्वविद्यालय के छात्र जवाब देना जानते हैं उस तरह से सवाल करना भी जानते हैं। विश्वविद्यालय में कोई भी हरकतें होती हैं तो पहले छात्र यहाँ का छात्र जो छात्र नेता है जो आम छात्रों की लड़ाई लड़ता है, जो आम छात्र अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं उनको दबाया जाता है, तो उनकी लड़ाई लड़ने का काम आज छात्र नेता करता है। और यही कार्य मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और छात्र के बाद एक छात्र नेता भी हूँ जो आम छात्रों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहता हूँ। और ये जो फीस वृद्धि हुई है ये 400 गुना फीस वृद्धि हुई है, 1-2 रुपये की बात नहीं है कि 1-2 रुपया किसी कोर्सेज के बढ़ गई हैं। अगर BLLB की फीस 50,000 है तो 400 गुना फीस बढ़ा देके 2,00,000 रुपया कर दिया गया है। जब 2,00,000 रुपया, जब कोई आम छात्र 50,000 देने में हिचकिचाता है, कहीं उसके पिताजी कितने साल मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, तब जाके जब अपना जमीन वमीन बेचते हैं तब जाके उनका छात्र 50,000 रुपया लग देता है,
जब उनके जब 2 लाख बढ़ जाएगा तो कहाँ से देंगे, उनको घर मकान अपने बेच के तो अपने छात्रों को पढ़ाना। और आप देख सक रहे हैं कि इस सरकार में चाहे जितनी पढ़ाई कर लीजिए लेकिन रोज़गार कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये अपने शिक्षा को बचाने के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अभी हम लोग 5वें दिन अमरण अनशन बैठ चुके हैं, ये हमारे बात को नहीं मान रही थी, ज्ञापन के माध्यम से उनको बताने का कार्य कर रहे थे कि आप मैडम अपना ये तानाशाही फरमान वापस कर लीजिए, नहीं तो हम लोग अमरण अनशन करेंगे, जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। अभी तक हम लोग देख लीजिए गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ ही बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा अब क्योंकि हमारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। हम लोग 2 महीने से ज्ञापन के माध्यम से इनको बताने का कार्य कर रहे थे, नहीं मानी उसकी। आप छात्र और छात्र नेता की बात कर रहे थे और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि छात्रों का समर्थन नहीं मिलता है, केवल छात्र नेता ही बैठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, समर्थन मिलता है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है छात्रों के समर्थन से ही जीती गई है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितनी भी आज तक लड़ाई लड़ी गई है, और ये ऐसा नहीं है कोई लड़ाई हम लोग हारे हैं, जो लड़ाई लड़ी गई है उसको हम लोग पूर्ण रूप से जीते हैं और ये लड़ाई भी हम लोग जीतेंगे। तो आगे किस तरह से क्या रणनीति है लड़ाई को जीतने के लिए? अब ये आगे की रणनीति अभी तक तो गांधीवादी तरीके से चल रही थी, लेकिन अब भगत सिंह और शहीद लाल पदमधर बनने की ज़रूरत है।